तुम्हारे काम शुरू तो होते हैं पर मुकाम तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि तुम अपनी योजनाएं सभी को बताते फिरते हो। मेरी बात मानो, जब तक तुम्हारा काम होता नहीं है, अपना काम और योजना के बारे में आगे से बोलना बंद करो। जिम्मेदारी तो अच्छे से निभा रहे हो, पर अब अपनी सेहत के बारे में सोचो। समय से खाना खाओ और सो जाओ, और वक्त पे उठो। मेरे कहे हुए रास्ते में चलो, तुम्हारा भला होगा। अब तुम मुझसे ये बात अक्सर पूछते हो कि बाबा, मुझे दुख और धोखा देने वाला इंसान, मुझे रुलाने वाला, नीचा दिखाने वाला इंसान जो है, उनके साथ तो कभी कुछ बुरा नहीं होता है, वो तो हमेशा खुश रहता है, पर मेरे भाग्य में इतना दुख क्यों? तो तुम एक बात जान लो मेरे बच्चे, कोई भी इंसान अपना कर्म भोगे बिना ऊपर नहीं आ सकता। कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। गतिविधियां सिर्फ अलग हो जाती है, पर आज नहीं तो कल उसे अपना कर्म फल भोगना ही पड़ता है। बाकी मैं तुम्हारे साथ हमेशा था, हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो। बहुत सवाल है तुम्हारे मन में कि क्यों तुम्हारे रास्ते में इतनी मुश्किलें आ रही हैं, क्यों तुम्हारे चलते हुए काम पे इतनी रुकावटें आ रही हैं, क्यों इतनी देरी हो रही है। तो सुनो, कुछ ही दिनों में तुम्हें सब पता चल जाएगा कि तुम्हारे काम क्यों बिगड़े, क्यों रुकावटें आई, क्यों उस मुकाम तक तुम नहीं पहुंच सके। फिर तुम आओगे मेरे पास भागते हुए और तुम मुझे यही कहोगे कि साईं, शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया। जो भी आपने किया सही किया। तुम कभी कभी अपने परिस्थिति में इतने उलझ जाते हो कि तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे साथ तुम्हारा साई है जो तुम्हारे रक्षा कर रहा है। सच्चरित का पारायण शुरू करो, फिर देखना क्या होता है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत दुखी हो उनके बर्ताव से, पर मैं बता दूँ तुमको कि उनका घमंड बहुत जल्दी टूटेगा। उन लोगों का जिन लोगों ने अपने कठोर वाणी से तुम्हें, तुम्हारे आत्मा को दुखाया है। मैं जानता हूँ कि तुमने उन्हें जवाब नहीं दिया क्योंकि वो तुमसे उम्र में बड़े थे और तुम मजबूर भी थे, इसलिए तुमने अपमान सहा। मैंने उन्हें बहुत मौके दिए सुधरने के, पर अब उनका वक्त खत्म हो चुका है। उनका घमंड टूटने वाला है क्योंकि उनका घड़ा भर चुका है। अब तुम देखो कि तुम्हारा साईं उन्हें कैसे अपने तरीके से समझाता है। सुनो, तुम्हारे घर में जो लगातार बीमार है, उनके लिए एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ। एक छोटा सा पात्र में गंगा जल डाल के राम नाम का जाप करो, फिर ये दोहा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा, ये 108 बार बोल के उस व्यक्ति को पिला दो, वो ठीक हो जाएगा जल्दी। और मेरे बच्चे, नौकरी मिल जाएगी ये बात तुम जान लो। तुम्हारे जो दो बड़े काम रुके हुए हैं वो बस खत्म होने को ही है। और कुछ दिन की सबूरी, फिर तुम विजयी होगे। अगर हो सके अपने सामर्थ्य अनुसार अन्य दान करो, भला होगा तुम्हारा। मैं जानता हूँ कि मेरे कुछ बच्चे शिरडी आना चाहते हैं, बहुत बार योजना करने के बाद भी शिरडी नहीं आ पाए मेरे पास। तो सुनो, बनाओ इस बार योजना, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा शिरडी में। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो मुझसे स्वप्न दर्शन मांगते हैं, तो ये प्रार्थना भी मैंने स्वीकार कर लिया। दूंगा मैं स्वप्न दर्शन बहुत जल्दी, खुश रहो। और एक बात, जिस चीज़ के लिए तुम इतने परेशान हो, तुम ठीक से खा पी नहीं रहे हो, ना चैन से सो रहे हो, उस वजह को मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जल्दी निकाल फेंकूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें और परेशान नहीं देख सकता। हाँ, मैं जानता हूँ कि समय बहुत कठिन है तुम्हारे लिए, तुम्हें आर्थिक सहायता चाहिए, मुझसे कुछ छुपा नहीं है, तुम्हारी चिंता, दुख, दर्द, मजबूरी सब देख रहा हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं भेज रहा हूँ तुम्हें आर्थिक सहायता।